इसराइली टैंकों ने रफा के अल-कब्दा को कब्जे में ले लिया है। रफा के स्थानीय पत्रकारों ने इसकी पुष्टि की है। अल-कब्दा को रफा शहर का भी कहा जाता है। ये सरकारी बैंकों, संस्थानों और व्यापार के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। फिलिस्तीन मिस्र सीमा के दक्षिण हिस्से में करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र को इसराइली सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद हमारे अमीराती अस्पताल में परिवार के साथ शरण लेने वाले एक फिलिस्तीनी ने बताया कि सैनिकों ने एक इमारत के टॉप पर कब्जा कर लिया और किसी भी तरह की आवाजाही के दौरान गोलियां चलाने शुरू कर दी। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गजा में इसराइल के हमलों से पिछले 24 घंटे में 46 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और 110 लोग घायल हुए हैं। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल के हमलों से अब तक 30,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसराइली सेना ने रफा शहर के अलावा उत्तरी और गजा में किसी सैन्य अभियान चलाने की पुष्टि की है। वहीं इसराइल डिफेंस फोर्स ने गजा मिस्र सीमा पर सैन्य अभियान चलाने की पुष्टि की है। इसराइली सेना ने कहा कि उसने सोमवार रात गजा को मिस्र से अलग करने वाले फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर सैनिक तैनात किए। रफा में चलाए जा रहे अभियान पर IDF ने बयान जारी करते हुए कहा, हमारा मकसद आतंकवादियों से लड़ना और इस इलाके में सुरंग, हथियार और आतंकवादी गतिविधियों के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे का पता लगाना है। इसराइली सेना ने यह भी कहा कि उसने सेंट्रल गजा में सैन्य अभियान तेज कर दिया है और उत्तरी गजा में भी अभियान चलाया जा रहा है। रफा में रविवार को इसराइल के हमले से 45 फिलिस्तीनी की मौत हुई है। इस तरीके से इसराइल ने रफा पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरफ से इसराइल की बहुत आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनी गुटरेस ने भी कहा, हमले से उन मासूमों की जान गई है जो सिर्फ बचने के लिए ठिकाना तलाश रहे थे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रफा में हुए इसराइली हवाई हमले पर चर्चा के लिए मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाई। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को देखते दुखद हादसा बताया है, लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से विरोध बढ़ता जा रहा है। अल्जीरिया ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महासचिव एंटोनी गुटरेस ने भी रफा पर हुए हमले की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ परिस्थितियां भयावह है, डरावनी है और इससे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि गजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को इसराइल ने रफा में शरणार्थी कैंप पर हमला किया। इसमें कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थे।